एडवोकेट महमूद प्राचा को आप देख रहे हैं इस समय, और भानु प्रताप जो हैं वो भी यहाँ हैं। रोकने की, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग का बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50-50-50 ईवीएम देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। हम ईवीएम लेंगे, किसी हालत में लेंगे, हर हालत में लेंगे, और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा देश से वादा है। पूरी दुनिया की कोई ताकत ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा पाएगी। हम ये देश से वादा कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी 50 मीटर भी नहीं हुआ। पुलिस, अगर मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल बंद कर दें तो देश की जनता उन्हें एक भी वोट नहीं देगी। इसीलिए तो ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, ईवीएम से इलेक्शन जीतते हैं वो, कोई जनता से इलेक्शन नहीं जीतते हैं वो। ये समझ लीजिए बात। आज हम देश की सारी जनता से आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, आप लोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, क्योंकि ईवीएम सबसे बड़ा धोखा है। अगर ईवीएम से चुनाव हुए तो मोदी जी इस देश का पुलिस राज बना देंगे, इस देश की सब अर्थव्यवस्था लूट के अडानी के हाथ में दे देंगे, पूरे देश को लूट के खा जाएंगे आरएसएस और बीजेपी वाले लोग। बहिष्कार तो करेंगे, होने नहीं देंगे हम चुनाव। पॉलिटिकल पार्टी सब साथ आएंगी, पॉलिटिकल पार्टी सब साथ आएंगी, और जो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं आएगी तो अपना नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। ये देश बचाने की लड़ाई हो रही है। हमें 50 मशीनें देने के लिए ईवीएम तैयार है, इलेक्शन कमीशन तैयार है, पुलिस ले ले। अरे ये हमें गोली मार दे, हम डर रहे हैं कहीं से। अमित शाह साहब हमें गोली मार दो, ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। जो पुलिस है वो डिटेन करना शुरू कर दिया है तमाम लोगों को इस समय। जो महमूद प्राचा और वो जो भानु प्रताप जी, उन लोगों को भी डिटेन पुलिस करेगी। बस लगा दिए पुलिस ने कुछ ही मीटर के बाद, और अब जो है पुलिस डिटेन करना शुरू कर रही है। सीधे सीधे जो आप देख रहे हैं, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। एक मिनट साथियों, ये देखिए एडिशनल डीसीपी न्यू दिल्ली जो है, उन्होंने महमूद प्राचा को डिटेन करने के लिए हाथ